आप हमेशा यहां आती रहना, भले ही मैं यहां रहूं या ना रहूं। हम सब आपकी मदद करेंगे। साई ने हमसे कहा था द्वारका मई हमेशा जैसी थी वैसे ही रखनी है। लौट गए? अरे ऐसे कैसे लौट गए? निजाम क्या एक दिन और नहीं रुक सकते थे? माना कि मुझे एक दिन की देरी हो गई। किस बदतमीज ने गिराया इसे नीचे? चलो इस मनहूसियत में कुछ तो काम की चीज मिली। कौन है जो तुकाराम के जमीन पर कब्जा करने आया है? आज हम उसे सबक सिखाएंगे। कौन है तू? जयराम जी की। ऐसे कैसे किसी के भी जमीन पे कब्जा कर रहा है तू? ये तुकाराम की जमीन है, वो तो अभी शहर गया है, लेकिन इस जमीन की जिम्मेदारी हम पर सौंप गया है। बिना अनुमति प्रवेश करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं एक विद्वान और सज्जन व्यक्ति के साथ यहां आया हूं। हम कल पूरी रात चलते रहे, इसी कारण थक गए और आपकी इस मचान के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। वो सज्जन कहीं गए हैं, उनके वापस आते ही हम फौरन यहां से चले जाएंगे। अच्छी कहानी बनाई है तुमने, लेकिन तुम जैसे लोगों को खूब अच्छे से पहचानते हैं। पहले भोले भाले बन के बात करते हैं और फिर जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तुम इसी समय इस जगह को छोड़ के चल जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो सज्जन कहीं गए हुए हैं, उनके आते ही हम इस जगह से चले जाएंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है ये तो अभी से अपना हक जता रहा है। जब डंडे पड़ेंगे ना तो सर पे पैर रखकर भागेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन हिंसा से
किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अच्छा तो हम तुझे अभी बताते हैं कि अहिंसा से समाधान कैसे निकलता है। अरे मारो रे इसको, मारो, अरे मारो रे इसको, मारो। अच्छा तो तू है वो सज्जन? हाँ मैं ही हूँ वो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शागिर्द पे हाथ उठाने की? हाँ मेरे शागिर्द पे सिर्फ मेरा हक है। इसे कोई डांट या मार सकता है तो सिर्फ दिलावर अली। दिलावर अली? आप दिलावर अली है? तभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपको पहले के देखा है। आप वही है ना जो लोगों का हाथ देके उनका भविष्य बताते और टोटके बताते, वही है ना आप? हाँ मैं वही हूँ। और अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे मुस्तकबिल में केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। हमें माफ कर दीजिए। देखा बगैर किसी गांव या शहर में कदम रखने से पहले मेरी नेक नामी और शोहरत पहुंच जाती है। आप मेरा हाथ देके बताइए ना मेरे भाग में क्या लिखा है। नहीं पहले मेरा हाथ देखेंगे। अगर निजाम ने यह मंजर देखा होता तो उन्हें महसूस होता मेरी शख्सियत क्या है, कैसे लोग मेरे मुरीद हैं। रुको जरूर देखूंगा लेकिन एक एक करके। और हाँ कोई भी मेरे नजदीक मत आना। ए फकीर एक एक करके लोगों को भेजो अंदर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरा ये दस्तूर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए हुजूर। कैसे हो चाचा? अरे 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 अरे, अरे, अरे। ये क्या कर दिया तूने खंडो? नुकसान कर दिया मेरा। अब तुझे इसका हर्जाना देना होगा। हर्जाना? किस बात का? अरे गलती तुम्हारी है चंदू, तुम देख के नहीं चल सकते थे क्या? अगर तूने हर्जाना नहीं दिया तो मैं ये तेरा बैल ले लूंगा। आया बड़ा बैल लेने वाला, चल भाग ऐसे। मैं तेरा बैल लेके छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ हाँ खूब समझती मैं तेरी चाल। तू जानबूझ के खाने में मिर्ची डालती ना ताकि मैं खाना ना खा सकूं। मीन में एक और नुक्स निकालना ना कोई आपसे सीखे। और इतनी समस्या है ना तो जाके खुद बना लिया करो खाना। यही चाहती है ना तू, तुझे घर के कामों से मुक्ति मिल जाए। देखा गाँव में मुझे कैसे बदनाम किया जा रहा है। मैं तंग आ गया हूँ ये रोज की चिक-चिक से। मुझे लगता कि हमें अलग हो जाना चाहिए। साई क्या गए शिरडी से, शांति चली गई। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, ये सब सिर्फ साई के शिरडी में ना होने से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, पर उस समय साई यहाँ थे। वो भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों की समस्या का समाधान करते थे। आप कहाँ हैं साई? केवल आप ही है जो लोगों में भाईचारा खत्म होने से, घरों को टूटने से, अपनों को रूठने से बचा सकते हैं।
गजब हो गया जिपरी, हम सब ने कितने मेहनत से द्वारका माई की साफ सफाई की थी और आज पूरा द्वारका माई खंडर जैसे हो गया है। साई, तुम्हारे जाने के बाद द्वारका माई खुद को द्वारका माई नहीं कहलाना चाहती है। तुम कहाँ हो साई? ये तो वहां बैठे थे, फिर ये अचानक मेरे पास कैसे पहुंचे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय पर आ गए। कहीं ये बोरी नीचे गिर जाती, फट जाती और सारा अनाज धूल मिट्टी में मिल जाता। तुम्हें भी तो चोट लग सकती थी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। रुको भाई, बहुत थके हुए लग रहे हो, यहां कुछ देर बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मजदूर की किस्मत में आराम कहां, सुख चैन आराम तो इस गांव के अमीरों के लिए है। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हारी बोरी। नहीं, आप मेरे लिए ये बोझ उठाएंगे? कहीं साहूकार को पता चल गया या देख लिया कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, तो वो मुझे अगली बार काम नहीं देगा। परेशान मत हो, साहूकार के देखने से पहले ये बोझ मैं दोबारा तुम्हारी पीठ पर लाद दूंगा। राम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये तुकाराम जी हैं, इस खेत और मचान के मालिक। कुछ दिन पहले शहर गए थे, अभी अभी ही गांव लौटे हैं। साई।
भाई जाग का जो हुआ उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। हमने कितनी मेहनत से द्वारका माई की साफ सफाई की थी और आज हमने देखा कि द्वारका में खंडर लग रही है। मुझे पता है द्वारका माई को भी साई की बहुत याद आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि द्वारका माई वैसी रहे जैसे साई के समय थी। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से साफ सफाई करेंगे। आप आ रही है ना हमारे साथ? जाकर कोई फायदा नहीं, शायद द्वारका माई जानती है कि साई हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। भाईजाग का, आप आ रही है ना हमारे साथ? शायद भाईजाग का बहुत दुखी है और टूट गई है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। मैं जानती हूँ साई हमसे दूर नहीं रह सकता। द्वारका माई को साफ सुथरे रखूंगी और देखभाल करूंगी द्वारका माई की, तब तक जब तक द्वारका माई को विश्वास नहीं हो जाता कि साई वापस लौटेगा। मैं भी तेरी मदद करूंगी जिप्री। ऐसा लगता है जैसे वाइजा ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है। ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती है। साई, तू ऐसे क्यों गया सबका त्याग करके? हुजूर, मेरा भी हाथ देख लीजिए। अरे तुकाराम, मैंने तुमसे कहा था ना इनके बारे में, यही है दिलावर अली जी। हुजूर, यही तुकाराम मेरा दोस्त, इस जगह का मालिक। तुकाराम, तुम्हें जो कुछ भी परेशानी है तुम्हें नहीं बता दो। हम सबकी समस्याओं के लिए इन्होंने ही तो हमें अच्छे टोटके दिए और उपाय भी बताया। तुम भी अपने समस्या इन्हें बता दो। रोज आधी रात को केले के पत्ते में सिंदूर लगा और उसे स्याह रंग की बकरी को खिला, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया हुजूर। तेरे इस मचान को अपना ठिकाना बनाया है मैंने, तो समझ ले तेरी जिंदगी की परेशानी खुद ब खुद खत्म हो गई। सालों से जो मेरी परेशानी है, क्या आज उसका समाधान मिल जाएगा? जी, दोबारा काम पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाइनी। सुलभा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पास तो ना कोई शक्ति है और ना ही कोई अधिकार। अगर मैं कुछ कर पाती तो तुम्हारे पति तुकाराम को ढूंढने की कोशिश करती और उससे कहती कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी बीघा जमीन है। सुलभा जैसी पत्नी को छोड़कर रह रहा है, यही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे तो तरस आता है उस पर, कैसे उसने तुम्हारी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। सुलभा, तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है वो, और तुम अभी भी जानती हो वहनी, वो भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। वो अब भी मेरे पति हैं। मुझे पता है उन्होंने दूसरी शादी की है, हो सकता है दूसरी शादी से उन्हें बच्चे भी हो। वो कभी हमारे बारे में नहीं सोचते। तेरे हाथ की लकीरें काफी अच्छी हैं। इज्जत, शोहरत, धन, दौलत, सब कुछ तो है। संतान नहीं है।
वंश चलाने वाला कुलदीपक नहीं है, लेकिन एक औलाद देख रहा हूं मैं। सच बेटा है ना? लड़का या लड़की है मैं नहीं जानता, कुलदीपक का मतलब तो बेटा ही होता है। मैंने कुलदीपक के लिए तो क्या क्या नहीं किया, नीम, हकीम, वैद्य, सब जगह गया, यहां तक कि मैं अंग्रेज डॉक्टर के पास भी गया। तो तू चाहता है कि तेरे यहां लड़का पैदा हो, तो फिर एक टोटका करना पड़ेगा तुझे, करेगा? हाँ करूंगा। पास के तालाब में जाके नहा और मन्नत मांग कि तुझे बेटा चाहिए, और फिर अंगारा बिछा और उस जलते हुए अंगारे को 10 मरतबा पार करके दिखा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी तेरे घर में बेटा पैदा होगा। अंगारों पर? आपको यकीन है कि अंगारों पे चलने के बाद मैं बेटे का बाप बन जाऊंगा? गुस्ताख! करना है तो कर, मैंने नहीं बुलाया तुझे, तू खुद चल के आया है। माफ कीजिए, मैं बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगह का नाम तो मैं नहीं जानता, हाँ पर ऐसे लगता है जब मैं सुहासनी आत्या को उनके गांव से यहाँ ला रहा था, और ठीक वैसे ही गांव मुझे रास्ते में मिला था, और उस गांव का रास्ता भी मुझे पता है, मैं वहाँ जाकर साई का पता लगा सकता हूँ। हम इस जगह अवश्य जाएंगे। मैं भी आपके साथ आऊंगा। हम भी चलेंगे साई को लाने।